वेलकम टू माय चैनल। तो हम वापस आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस सुबह सुबह में आपको आज दिखाना जा रहे हैं हम लोग चाणक्या बॉयज हॉस्टल। ये भी एक लो हॉस्टल है बीएचयू का। बीएचयू में टोटल 3 हॉस्टल हैं लो फैकल्टी के। एक हमारे चाणक्या जहाँ LLB भी रहते हैं लेकिन कम ज़्यादा BLLB के लिए प्रसिद्ध है हॉस्टल। उसके ठीक बगल में अम्बेडकर हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हमने ऑलरेडी भगवान दास आपको दिखा चुके हैं तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में लिस्ट में। तो ये है चाणक्या बॉयज़ हॉस्टल। ये अंदर से इस तरह दिखता है। ये एक अंदर मतलब जब आप एंटर करेंगे तो ये पहले आपको दिखेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। इसमें टोटल 4 एक ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पूरे 4 सेक्शन वाले, 3 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर मिला के। और यहाँ टोटल रूम्स हैं 99 रूम है। लकीली मुझे भी यहीं रहने का मौका भी मिल गया था तो हम थे यहाँ। तो ये इस तरह के रूम से बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हालांकि ये हॉस्टल न्यू बना है इसलिए काफ़ी सुंदर है। ये एरिया मुझे बड़ा पसंद था हॉस्टल में, क्योंकि इसके ठीक यहाँ नीचे आप देख सकते हैं वो है अम्बेडकर हॉस्टल जो बगल में ही दिखता है। वो हम LLM वाले सर लोग के लिए है वो हॉस्टल। और ये ठीक इसके ऑपोजिट में हमारे चाणक्या हैं। चाणक्या के बगल में हमारा लॉ फैकल्टी है इसीलिए हॉस्टल अच्छा सूटेबल होता है। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी से भरी हुई है हमारे ये हॉस्टल, हालाँकि अभी हम यहाँ रहते नहीं हैं। ये वॉशरूम जाने का रास्ता है। ठीक वॉशरूम की खिड़की से हॉकी ग्राउंड दिखता है जो भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद अब जब यहाँ वॉशरूम एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे पूरे टाइल्स के बनाए गए। इट्स मी, हाय। काफ़ी वेल मेंटेन है, शावर है, नीट एंड क्लीन है, अच्छा लगता है देख के नहाने के लिए। फिर बाकी सब ठीक से। खिड़की बगल से यहाँ अभी प्रोग्राम चल रहा है तमिल संगम बीएचयू में, तो उसके पीछे MP थिएटर है ना, तो उसे ग्राउंड दिखता है हमारे खिड़कियों से। हालांकि हमारे बिल्डिंग से तो VT भी दिखता है। ये हॉस्टल का पूरा 4 सेक्शन है। सबसे पहले ये हमारे ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे रूम्स हैं तो हम एक रूम के बच्चे का इंटरव्यू लेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो सर, कैन आई गेट अ इंटरव्यू? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो ये चाणक्य का हॉस्टल है, ये BA LLB का एक स्टूडेंट है यहाँ पे। तो सर ये आपका कमरा है? हाँ मेरा कमरा ही, मेरा बेड पार्टनर का, रूम पार्टनर का। तो आप लोग एक कमरे में कितना जन रहते हैं? दो लोग रहते हैं। अच्छा, 2 जन का अलॉट हुआ है। तो सारे यहाँ चाणक्य हॉस्टल में सबको एक रूम में 2 अलॉट कराते हैं? हाँ, 2। कितने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ? नीचे में मेरे बैच के 25 लोग, एक बैच में 25 लोग को मिलता है BA LLB में। अच्छा, तो BA LLB के स्टूडेंट है। कौन से सेमेस्टर के हैं आप? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। आपका नाम? मेरा नाम अल्बर्ट बेक है, मैं झारखंड से हूँ, लातेहार जिला। अच्छा, आप झारखंड से हैं। यानी कि हॉस्टल में ज्यादा दूर वालों को दिया जाता है ना कि नजदीक वालों को भी दिया जाता है? मार्क्स भी मैटर करता है। अगर हॉस्टल उनको मिलता है जिनका नंबर हाईएस्ट हो, उन्हीं को 25 लोग जिनका नंबर हाईएस्ट है, और कुछ सीट्स रिजर्व भी होता है। अच्छा अच्छा, कैटेगरी वाइज। ओके, तो एक पहला लिस्ट निकलता है, हमें पहला लिस्ट निकला था उसमें 21 लोग को मिला था, और अभी और 4 लोग को मिला है हॉस्टल। तो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो ही मिलेगा, और आपका मार्क्स दोनों मैटर करता है, तो डिस्टेंस दूर है और मार्क्स रहे तो ही मिलेगा। अच्छा, तो जो हॉस्टल मिलने का इंडेक्स रहता है उसमें डिस्टेंस और मार्क दोनों, डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस मैटर करता है,
सेकेंडरी मार्क्स होता है एंट्रेंस का, एंट्रेंस के नंबर के अकॉर्डिंग, इंडेक्स नंबर है। ओके ओके, तो यहाँ इस हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है? ठीक मिलता है, कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन खैर हॉस्टल का खाना तो आप सबको पता है। अच्छा, तो ये यहाँ खाने के लिए डायरी मेंटेन करा जाता है ना, आप लोग बस खा ईट एंड पे? डायरी मेंटेन भी कर सकते हैं और आप डेली, आप डेली बेसिस में भी अपना हर मील का पैसा दे सकते हैं। ओके, और नॉर्मल खाना का 50 रुपया होता है नॉर्मल डाइट का, और अगर जिस दिन चिकन रहेगा उसका 100 रुपया, फिश रहेगा उसका भी 100 रुपया है, और अंडा और पनीर का 70-70 रुपया। डेली बनता है या फिर कोई स्पेशल डाइट होता है? रोज खा सकते हैं, 20 रुपए लगता है दो अंडा का। ओके ओके, तो इसमें आपको लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब मिल जाता है? पोहा रहता है, ब्रेड ऑमलेट रहता है, और फिर आलू पराठा रहता है ये सर, और ये चीज रहता है, और ये सॉस भी रहता है, चाय भी। अच्छा, तो हम आते वक्त हम देख पाए कि गार्ड अंकल बाहर बैठे थे, तो यहाँ सिक्योरिटी टाइट रहती है या फिर स्टूडेंट को लिबर्टी के लोग बाहर जा सकते हैं? मतलब दोनों ये कह सकते हैं, मतलब कि उतना टाइट भी नहीं है, मतलब आप फ्री हैं, अपना घर जैसा ही रह सकते हैं। हाँ, बस लिमिट है कि रात को 9 बजे तक इससे पहले आपको एंट्री कर लेना चाहिए। तो यहाँ के जो वार्डन सर होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं कि यहाँ स्पेशली वो वार्डन ही रहते हैं? प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को? हाँ, हम लोग को पढ़ाते हैं, अभी हम लोग को 5th सेमेस्टर पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन या लो, ऐसा कुछ उनका सब्जेक्ट। अच्छा, इंटरनेशनल लो पढ़ाएंगे। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर राजू मांझी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। तो ये रूम है, रूम में अलमारी दो देते हैं चाणक्य हमें, उसके साथ पंखा देते हैं, लाइट्स हैं, काफ़ी अच्छा है रूम, काफ़ी जगह हो जाते हैं बीच में, फिर आप लौट कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो चाणक्य का, अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार लुटाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं करा है उन्हें कर दीजिए, और मोर इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लॉग इन एंड लाइक सब्सक्राइब से। थैंक यू।